नमस्कार, मैं फिरोजली। आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं राहुल गांधी के उस दर्द की जो आखिरकार छलक ही गया। पहली बार राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिंधिया जी पर कुछ बयान दिया और उन्होंने कहा कि सिंधिया जी ने अपनी विचारधारा को जेब में रख लिया और अपने राजनीतिक भविष्य की फिक्र करते हुए उन्होंने आरएसएस के साथ चले गए। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं। आदित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीज है।